नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार पावस्कर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्चुअल जो मेमोरी ड्राइंग का जो पार्ट होता है कि फिगर ड्राइंग हमें ड्रॉ करना पड़ता है, हमें इंसान ड्रॉ करने पड़ते हैं, वो कैसे करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकलते हैं, ड्रॉ करते हैं फिगर ड्राइंग का स्ट्रक्चर। हमारा फेस कैसा होता है? हमारा फेस लंबा होता है, और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि बच्चों का फेस कैसे होता है, गोल होता है। तो ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर। गर्दन होती है ना, वो ज़्यादा भी ऐसी कम नहीं रखने। हमारे फेस का जो थोड़ा हिस्सा हमें कट करके उसकी नीचे वाली गर्दन हमें ड्रॉ करनी है, ज़्यादा ऐसी छोटी करके नहीं रखना है, ओके। और उसके आगे हमारा जो कंधे से लेके पेट तक का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो हम वैसे ड्रॉ कर देते हैं, यह हो गया हमारा वो वाला। उसके बाद हमारे जो पैर होते हैं, हम खड़ा हुआ इंसान ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे खड़े होते हैं, इधर से ये हमारे घुटने तक, इधर से ये हमारे घुटने तक, और घुटने से लेके नीचे जो इतना इतना पार्ट है ना उसका ही यहाँ पे। हर चीज़ का हमें आधा पार्ट करना आना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे आधा और उसका आधा यहाँ पे, इसका आधा लो तो यहाँ पे, ये आधा दोनों सेम होने चाहिए ऐसे। अब ऐसे ही हाथ का ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक हाथ बड़ा और एक हाथ छोटा, दोनों हाथ सेम होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजिशन में हो, किसी भी स्टाइल में हो। तो ये हुआ यहाँ पे, ऐसे पैर का छोटा सा निकाल सकते हैं और हाथ का भी ऐसे ड्रॉ करते हैं हमारे लिए। यहाँ पे है हमारा, हो गया, ऐसा होता है हमारा फिगर का स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर हम उसको शर्ट और उसके हाथ पैर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, शर्ट पहले ड्रॉ करते हैं, वो भी हाफ। शर्ट का हाथ थोड़ा छोटा हो गया है इसलिए इसे बड़ा कर देते हैं। वैसे यहाँ पे शर्ट की कॉलर निकालनी है तो सिंपल स्टेप ये ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे वी निकाले, यू टाइप है पर वी जैसा थोड़ा शेप होना चाहिए, ऐसे पूरा वी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे कॉलर निकालें और ये बीच वाला जो है ऐसे इरेज करके ऐसे करके। उसके बाद पैंट हम यहाँ पे फुल वाली पैंट निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी फुल ड्राइंग पैंट, फुल वाली, इसे यहाँ तक ही रखना है, ज़्यादा ऊपर ऐसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसे लेके नहीं जाना है, यहाँ तक ही रखना है। उसके बाद यहाँ से नीचे भी वैसे ही ऐसे हो गई हमारी पैंट। यहाँ पे हम हाफ पैंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हाथ का क्या है ये देखिए, अब हाथ कैसे ड्रॉ करते हैं ठीक तरीके से देखिए। तो मैं ज़रा ज़्यादा दूर पकड़ता हूँ, किस लिए, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, आप मत पकड़ना इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ज़्यादा कोई जान ये नहीं, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रक्चर है हमारा। और यहाँ पे ऐसी लाइन, हो गया, यहाँ से थोड़ी ऐसे अंदर तक, ज़्यादा इत पर इतना नहीं, थोड़ा इतना तक, और ये थोड़ा लंबा करके, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी कर्व, और यहाँ पे थोड़ा फुला हुआ ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट, ये हो गया हमारा हाथ। वैसे यहाँ पे निकल ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन, यहाँ से भी एक लाइन, यहाँ पे ऐसे, ये थोड़ी बड़ी, और उसके बाद ये थोड़ा कर्व होके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा कर्व होके यहाँ पे आ गया। दोनों हाथ कैसे लग रहे? सेम लग रहे हैं, ऐसे ही ड्रॉ करते वक्त लगने चाहिए सेम, नहीं तो वो कहीं ऐसा बिगड़ा हुआ सा नहीं लगना चाहिए। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारे हाथ ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, हमें नॉर्मली जो हाथ हम ड्रॉ, ये ऐसे खड़ा है, हमें ऐसे नहीं, ये हाथ इसके स्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े से दूर कर दिया हाथ। आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट करना है, और ये यहाँ पे। तो इसको ड्रॉ करते वक्त नॉर्मली जो लोग हाथ रखते हैं वो कैसे, यहाँ से ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद अगला वाला जो है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ से ऐसा अंगूठा हुआ, और ये ऐसा जरा बड़ा वाला निकलना, उसके बाद ऐसा, और इसे ऐसे ही कुछ लोग, कुछ बच्चे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, इसलिए हमें
ऐसे करके यहाँ पे ऐसे दो उंगलियाँ निकलनी ना तो भी ठीक है, वो हाथ लगना चाहिए, कोई रोबोट का हाथ नहीं है कि ऐसे ऐसे करके हैं वो, उसको हाथ लगना चाहिए। हाँ वैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अंगूठा, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा, और ये ऐसा घुमा हुआ, ये हो गया, और यहाँ पे थोड़ी बड़ी लाइन, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करके फिर उसके ऊपर ऐसे उंगलियाँ दो लाइन ओढ़ी तो भी ठीक है। ये हो गया हमारा हाथ। उसके बाद हमारा पैर का, पैर पैर जो होता है वो ऐसे करके ड्रॉ करना, पहले उसका सिर्फ स्ट्रक्चर निकलना है, हमें ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ऐसे यहाँ पे एक लाइन, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन और ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इतना, यहाँ पे भी ऐसे करके इतना और ऐसे जॉइंट, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे क्या हमारा अंगूठा आएगा, तो अंगूठे के लिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा सर्कल करके ऐसा हो गया। उसके बाद छोटी छोटी करके 1 2 3 1 2 3 और ये 4 चौथा, वैसे यहाँ पे ये ऐसा गोल अंगूठा, उसके बाद 1 2 3 और ये 4। और ये जो ये इतना शार्प हमने ड्रॉ किया है ना, ठीक है ऐसे करके सीधा ऐसे सीधा ऐसे, ये हो गए हमारे पैर। इतने हमने पैर ड्रॉ कर लिए ना तो भी ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद अब ड्रॉ करने वाले हैं हम फेस। फेस का ड्राइंग करते हो कैसा है, पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ करें वो भी सॉफ्टली, उसके बाद यहाँ पे आईज की लाइन, उसके बाद यहाँ पे नोज की लाइन। आईज और नोज के बीच में हमारे कान होते हैं, तो पहले हम हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं कैसे, ऐसे ऐसे। और मैंने क्या बताया, आईज और नोज के बीच में कान, तो यहाँ पे हमने कान ड्रॉ कर लिया, ये कान थोड़ा बड़ा हो गया ना। और यहाँ पे हमें हमारे बाल ड्रॉ करने, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आईब्रोज ड्रॉ करेंगे ऐसे और ऐसे करके। आईज नहीं, एकदम आसान से आसान तरीका क्या है ना, सामने देख रहा है तो ऐसे ऐसे आईब्रोज की तरह ही निकल के इसमें यहाँ पे ऐसे सर्कल निकला, यहाँ पे देख रहा है ऊपर देख रहा है तो ज़्यादा बड़े करके ऐसे यहाँ पे छोटे निकलना है, ये ऊपर देख रहा है ऐसे लगना चाहिए, हो गया। यहाँ से अब और अब क्या होगा, नीचे देख रहा है, नीचे तो ये ऐसे निकलना है हमें, तो नीचे तो ऐसे थोड़ा, ज़्यादा भी करो नहीं, थोड़ा करो और थोड़ा ऐसे, क्योंकि वो नीचे ये ऊपर और ये सामने दिख रहा है। नोज भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए आप डिटेल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा इंसान। अब इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते थे वो स्ट्रक्चर हमें एक ऐसे निकालना है कि जैसे हमें फिर से वो ऐसे ड्रॉ करके इरेज करना आना। दोस्तों ऐसे ही होता है मेमोरी ड्राइंग, यानी कि हमारा फिगर ड्राइंग। तो दोस्तों हम जब हमारे हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनकी जो एक्शंस होते हैं, यानी और हम जब दिन में काम करते हैं जब हमारे जो एक्शन होते हैं, तो बताए तो झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और कुछ पोजिशंस होते हैं और कुछ एक्शंस होते हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक्शंस हमें हमारे मेमोरी ड्राइंग में काम आते हैं। ऐसे कोई एक्शंस हम अब निकल के ड्रॉ करके देखने वाले हैं, जैसे कि हम अपने अब हम अपने मोबाइल को लेके बैठे हैं तो उसकी पोजीशन कैसे होगी वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो यह है उसका ड्राइंग। और अगला वाला जो मैं करने वाला हूँ वो है झाड़ू लगाने वाला इंसान। तो दोस्तों ये सब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, पर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस की थी। तो दोस्तों आपको भी स्ट्रक्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसके शर्ट पैंट और मसल्स पैर ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस, फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, पर मुझे आपको अच्छी तरीके से सिखाना था, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इसलिए ये बहुत वीडियो फास्ट भी हुई है, तो आपको स्लो करना है तो आप स्लो भी कर सकते हो, उसमें ऑप्शन भी है यूट्यूब पे। तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बाजू में जो घंटा है उसे भी दबा दीजिए ज़ोर से। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले आने वाले वीडियो में हम पेंटिंग करना भी सीखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय।